सरखेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। दवाई देता हूँ 3 दिन की, ठीक है, 3 दिन, 2 दिन आप रेस्ट करिए, ठीक है, बर्फ लगाइए, दवाई। अभी लग रहा है क्यों गया था खेलने के लिए यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, और एक नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो आज है ट्यूसडे और आज मैंने छुट्टी ले लिया है, तो घर पे रहने वाले हैं आज, क्योंकि मेरा सूजन अभी भी है और आज पूरा रेस्ट लेंगे। थोड़ा सा निकले तो इसके लिए ये रेस्ट नहीं ले पाए, तो इसके वजह से ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। घर पे रहते हैं, रेस्ट लेते हैं पूरा दिन, फिर उसके बाद कल देखेंगे। सो आज हम लोग ब्रेकफास्ट में सब खा रहे हैं ममड़ा, ममड़ा ये झालमुड़ी जैसा, कलकत्ता वाला झालमुड़ी जैसा। सो गाइस अभी चलते हैं हॉस्पिटल, भाइंजा भाइंजे भी चलते हैं हॉस्पिटल। और क्या हुआ था गाड़ी को, एक मिनट चलो, कुछ नहीं होगा। पहुंच गए हॉस्पिटल, है हॉस्पिटल सरखेज, सरखेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। बुक लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो बोल के फिर उसके बाद वो देगा कौन से नंबर घर पे दिखाना है। पैर में मोच आया हुआ है, डॉक्टर है, कल आएंगे, कोई नहीं है अभी। रूपम, RUPAM, हाँ रूपम, AICH, हाँ आइच। ये ऐसा बुक मिलता है, इससे 3 नंबर। हाँ भैया यही है, 300। ये मोच आया है पैर में, बहुत लंबा लाइन है। आप भी दिखाने वाले वहीं पे 3 नंबर में, हमारा इतना बड़ा लाइन है। ओ गॉड, नहीं मेरे को बोला 3 नंबर में। वेट करते हैं भैया, बहुत बड़ा यहाँ से लेके वहाँ तक, फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा दिखाने के लिए मेरे को। ओ बाप रे, लंबा लाइन, बैठो, बहुत खराब है यार। अभी लग रहा है क्यों गया था खेलने के लिए यार। चल रहे हैं कल खेलने, इस पैर में क्या बोला तूने, बहुत दूर तक आगे, ये देखिए सामने आ गया है। सर ये पैर में मोच आया हुआ है। हाँ तो बहुत ज्यादा, कब हुआ ये? कल हुआ है। पहला काम ये करना है आपको, वो लाल पट्टा आता है खींच के बाद में, वो क्लिप बैंडेड, ओके, मैं लगाया हुआ था कल रात। हाँ रात को नहीं लगा, जब आप खड़े नहीं या कुछ काम नहीं कर रहे हो, आराम कर रहे हो, उस टाइम निकाल देते हो, ओके, और जैसे ही खड़े होते हो तुरंत ये लगा, ओके, ठीक है। दूसरी चीज, जितनी बार हो सके बर्फ का शेक, बर्फ,
ओके। और अभी एटलीस्ट 74 आवर्स तक घूमना फिरना वजन देना बंद, ओके, क्योंकि स्ट्रेन है उसको जितना आराम मिलेगा सूजन जल्दी कम होगा, सूजन बढ़ेगा तो पेन भी बढ़ेगा, ओके, ठीक है। तो कोई भी दवाई से पहले उसको आराम देना बहुत ही जरूरी है, और जितना भी जरूरी है चलना फिरना उस टाइम क्रैप बैंडेज बांध दो तो सूजन नहीं चलती। दवाई देता हूँ 3 दिन की, ठीक है, 3 दिन, 2 दिन आप रेस्ट करिए, ठीक है, बर्फ लगाइए, दवाई अगर फर्क पड़ जाता है तो क्रैप बैंडेज अभी 1 हफ्ते तक चल रहा है, घूमने फिरते टाइम लगाना है, बाकी नहीं, ठीक है। तो सर यहाँ पे ना इस साइड में कल रात को क्रैप बैंडेज लगाए थे तो पैर ऐसा रहता ना तो नीचे की तरफ खून आ गया। हाँ ऐसा थोड़ा होता है कभी कभी, तो क्रैप बैंडेज लगाने के बाद मीन्स आपको जितना घूमना फिरना है उसी टाइप लगा के निकाल देना है, और जैसे ही आराम कर लो थोड़े पैर दर रखना है, थोड़ा वो खून सब निकल जाए, ठीक है ठीक है। और रेस्ट बहुत जरूरी है, 2 दिन का मैंने लिख दिया है, आप ऐसा हो आपको ज़्यादा रेस्ट की अगर ज़रूरत लगती है तो कल हमारे यहाँ हड्डी के डॉक्टर सौंप बुध और शुक्रवार को आए, तो कल आके इनको निकाल दो, वो एक्सरे करवा देंगे और वो अगर लिख देते हैं उतना रेस्ट आपको कम पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरे है और कल आ जाओ, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये टैबलेट ले लेते हैं, टैबलेट ले लो और मैंने बताया, ठीक है, थैंक यू सर। चलो भैया अभी ये डॉक्टर ने लिख के दिया है तो ये ले लेते हैं दवाई और खा के देखते हैं, यहाँ पे दवाई मिलेगा। कैसे खाना पड़ेगा? 2 टाइम सुबह शाम खाने के बाद, देखा कितना जल्दी दे दिया, सेल्स में मिलेगा इतना जल्दी पकड़, 2 टाइम सुबह शाम खाने के बाद निकलना है वहाँ से, क्योंकि मेरा पैर में दर्द है तो मैं निकल नहीं पाऊँगा, तो इसके लिए मेरे भांजे को दे दिया है, हो गया डॉक्टर दिखाना, दवाई दे दिया है, देखते हैं, बोला कल आने के लिए, एक बार आ जाएंगे कल, बहुत गर्मी है। थोड़ा बच्चे लोगों के लिए चॉकलेट ले लिया और कोल्ड ड्रिंक लिया है, ये अपना अपार्टमेंट है, बोला है 2 दिन का रेस्ट, मतलब ज़्यादा कहीं पे प्रेशर नहीं दे सकते पैर में, तो 2 दिन रेस्ट लेने के लिए बोला है, कल अगर रेस्ट ले लेते तो अच्छा होता। हाँ जिया जी घर पे ही है, मेरा सिस्टर हॉस्पिटल में रह गई है, वहीं पे वेट कर रही है, और कल शायद वो लोग जी का मम्मी को छुड़ा के लेके आ जाएंगे और दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे जहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू होगा। कल का दिन थोड़ा सा भागा दौड़ी वाला रहेगा और आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं वीडियो, मिलते हैं कल सुबह और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, खुदा हाफिज़।